वहीं भोपाल में सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता में बीजेपी की सरकार जाने का दावा किया है। योगेंद्र यादव ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने देश में डर और झूठ का माहौल खत्म किया है। हमारे सामाजिक संगठन बीजेपी को हराने के लिए खुलकर समर्थन कर रहे हैं। एमपी में 18 साल से बीजेपी है, लेकिन जनता अब बदलाव चाहती है। बीजेपी ने युवाओं और किसानों के साथ धोखा किया है, इसलिए अब बीजेपी जा रही है और जनता आ रही है। वायदे किए गए थे, चाहे वो पैसा के बारे में हो, चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हो, इन पर जो सरकार की चुप्पी और नाकामी रही है उसको लेके आक्रोश है। तो ये तमाम अलग अलग तरह के आक्रोश अब जुड़कर एक ही बात कह रहे हैं, 18 साल अब बस, अब भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को लोकतंत्र का जो एक औजार है उसका इस्तेमाल करते हुए जनता ने मन बना लिया है उतारने का। और भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम इन तमाम आंदोलनों का, इन तमाम संगठनों का समन्वय कर रहे हैं।